सुबह सुबह खाली पेट लेने से मांसपेशियों में आएगी ताकत, नसों का दर्द, चक्कर आना, नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज, हाथ पैर में ऐठन, सूजन का अचूक इलाज। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी दबी नस, नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम, वात रोग, हाथ पैरों में ऐठन, सूजन का इलाज कर सकते हो। इसके अलावा ये हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, गठिया, मांसपेशियों में अकड़न की प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। दोस्तों जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ ये रेमेडी बेहद ही आसान और इफेक्टिव होम रेमेडी है जो पूरी तरह से नेचुरल है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट का डर नहीं है। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों हम सबसे पहले चीज लेंगे दालचीनी। दालचीनी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये हर किचन में होता है और खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ शरीर को कई फायदा करता है। दालचीनी के मोटा मोटी फायदों की बात करें तो ये मोटापा कम करने का काम करती है, खून को साफ करती है, इसे यूरिन इन्फेक्शन में भी लिया जा सकता है, इसमें भी फायदेमंद होती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट में शक्तिशाली सूजन विरोधी गुण होते हैं, है ना, इससे स्वेलिंग दूर होती है। हाथ पैर जोड़ों में या फिर शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो तो दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालती है, ये शुगर को कंट्रोल करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, बंद नसों को खोल देती है जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, इससे हार्ट हेल्दी रहता है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा भी दालचीनी के बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा जो हम अगली चीज लेने हैं वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। मेथी दाने के फायदों के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। आयुर्वेदिक किताब अष्टांग ऋग्वेद में भी मेथी दाने के बारे में बहुत कुछ बताया और लिखा गया है कि मेथी दाना वात को संतुलित करती है। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट, इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, नसों में आई कमजोरी को दूर करते हैं। मेथी ब्लॉक नसों को खोलने का काम करती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस, गठिया से आराम दिलाते हैं। मेथी दाने के आगे फायदे की बात की जाए तो ये शुगर पेशेंट के लिए अमृत का काम करती है या शुगर को कंट्रोल में रखती है। डायबिटिक पेशेंट को रोजाना मेथी का प्रयोग करना चाहिए, इससे डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाता है। मेथी दाना बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा मेथी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन को दूर करने में भी मदद करते हैं। इससे यही नहीं दोस्तों, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे कब्ज और अपच की समस्या दूर होती है। अगर आप मेथी दाना रेगुलर डाइट में शामिल करेंगे तो डाइजेशन आपकी हमेशा अच्छी बनी रहेगी, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों मेथी के दाने शरीर में बढ़े एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने का काम करती है, मोटापे को कम करने का काम करती है। मेथी खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेथी खाने से दोस्तों आपका शरीर भी डिटॉक्स होता है। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना और दालचीनी दो चीजें ली हैं। इसके बाद हम एक गिलास पानी लेंगे और इसमें आधा चम्मच की मात्रा में आपको मेथी दाना मिलाना है और एक इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा मिलाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मात्रा का विशेष ख्याल रखना है, है ना। हाफ टी स्पून आपको मेथी के दाने इसमें ऐड करने हैं और एक इंच के बराबर यानी लगभग 2 ग्राम के आसपास आपको दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास दालचीनी का टुकड़ा ना होकर पाउडर है तो कोई बात नहीं है, घर में पिसा हुआ दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा आपको इसमें दालचीनी का पाउडर लगभग इतनी सी मात्रा में आपको इसमें ऐड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा घर पर पिसा हुआ, घर पर बनाया हुआ दालचीनी पाउडर ही इस्तेमाल में लाएंगे तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। इस तरह भिगोकर 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप रात को सोने से पहले इसे भिगोकर छोड़ सकते हैं। सुबह आप देखेंगे तो पानी इस तरह का दिखेगा, मेथी फूल गया होगा और दालचीनी भी फूल गई होगी। तो आपको करना क्या है, मेथी और दालचीनी को छान कर पानी को अलग कर लेना है और इस पानी को आपको सुबह सुबह खाली पेट, बासी मुंह, जब भी आप सुबह उठो तो सबसे पहला काम होना चाहिए इस पानी को पीना। जी हाँ, छान कर आपको सिप सिप करके इस पानी को पी लेना है, आपको ब्रश भी नहीं करना है। उसके बाद जो मेथी के दाने और दालचीनी बचे हुए हैं
इसका भी आपको प्रयोग करना है। इसे प्रयोग करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से किसी भी तरह से आप इसे प्रयोग में ला सकते हो। इस पानी को पीकर आप फ्रेश होकर आ जाइए और ब्रश वगैरह कर लीजिए। उसके बाद मेथी के दाने को और दालचीनी को किसी भी तरह से पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिएगा और इस पेस्ट को आपको खाना है। जी हाँ, आप एक चम्मच शहद के साथ इसे ले सकते हो, ऊपर से एक कप गुनगुना पानी पी सकते हो, या फिर इस पेस्ट को एक गिलास गुनगुने पानी में घोलकर उसमें एक चम्मच शहद डालकर पी सकते हो। इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरह आपको इसे लेना है और लगातार कम से कम 15 दिनों तक आपको फॉलो करने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतना जबरदस्त होम रेमेडी है कि इसके इस्तेमाल से आपको कुछ ही दिनों में फायदे दिखने लगेंगे। इसके एक दो दिन के इस्तेमाल से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगी, दबी नसें खुल जाएंगे, शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन कम होने लग जाएगी। नसों में किसी भी तरह की कमजोरी है, नसों में दर्द है, तो उसमें आपको फायदा दिखेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी नसों से जुड़ी सारी ही प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, डाइजेशन इससे इम्प्रूव होगा, आपका डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा शरीर में जमी चर्बी जो है वो तेजी से रिड्यूस होगी, आपका मोटापा कम होता जाएगा। आप इसे लोगे तो आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे, ऐसा लगेगा कि शरीर में जान आ गई है। इसके अलावा आपके स्किन में नेचुरल ग्लो दिखेगा, रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी दिक्कतें होती हैं शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से। और इस रेमेडी को फॉलो करते ही ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और जो ब्लॉक नसें हैं वो खुल जाएंगे। इस रेमेडी को लेने के बाद आपको दोस्तों आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आपको इस रेमेडी को सुबह के समय ही लेना है। गर्भवती महिलाएं इस रेमेडी को फॉलो ना करें। जिनको भी वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वे लोग भी इस रेमेडी को ले सकते हैं। जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, वे लोग भी इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो फायदा मिलेगा। या फिर जिनको गठिया है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वे लोग भी इस रेमेडी को बेफिक्र होकर फॉलो कर सकते हैं, उनको फायदा ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस रेमेडी का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है बस उतना ही क्वांटिटी आप इस्तेमाल में लेकर आइएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स कर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।